हेलो फ्रेंड्स, सैयद टीवी पर आपको वेलकम कहता हूँ। सैयद टीवी आपके लिए इंफॉर्मेटिव, टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियो लेकर आता रहेगा। दोस्तों, मैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है, लिनोवो थिंक पैड। इसका मॉडल भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, L510। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज एक लैपटॉप को हमने बड़ा डेड लैपटॉप को एक बड़ा इजी वे से हमने रिपेयर किया है, जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये मैं काम कर चुका हूँ, अब वीडियो आपको बना के दिखा, उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूंगा सारी चीज़ें कि इसमें हमने क्या किया है। दोस्तों, ये डेड लैपटॉप हमारे पास आया था। हमने काफ़ी डायग्नोस्टिंग के बाद हमें मालूम हुआ कि इसका जो पावर बटन है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, इस जगह पर बटन लगा हुआ था, वो बटन ख़राब हो गया था। तो जब हमने इसकी वोल्टेज वगैरह मैयर किए, पावर बटन पर इसके वोल्ट वगैरह हमें मिल रहे थे, तो उसके बाद हमने इस फैसला किया कि इस लैपटॉप को इजी वे से रिपेयर किया जाए, क्योंकि मार्केट में इसके साथ के बटन अवेलेबल नहीं होते और बड़ी मुश्किल होती है हमारे टेक्नीशियंस को भी और हमारे फ्रेंड्स को भी कि लैपटॉप को रिपेयर कैसे करें। तो दोस्तों, इसका इजी हल मैं आपको आज बता रहा हूँ। जैसा कि मैं आप देख सकते हैं, इधर मैंने इसका एक्सटर्नल बटन लगाया है, ये मैंने गिलू की मदद से इस बटन को फिक्स कर दिया है, और दो कनेक्शन इसके अंदर से जो लैपटॉप के ओरिजिनल पावर बटन को नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे थे, वही नेगेटिव पॉजिटिव की दो वायर निकाल के मैंने इस एक्सटर्नल बटन को देखकर यहाँ से इस लैपटॉप को ऑन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इस लैपटॉप का ओरिजिनल पावर बटन था, जहाँ से मैंने हॉल करके इसका बटन निकाल दिया, और यहाँ से ही दोनों कनेक्शन लेकर मैंने ये एक्सटर्नल बटन को दे दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये लैपटॉप मुकम्मल तौर पर ठीक है। दोस्तों, मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ। मैंने इसका पावर अडाप्टर निकाल दिया है, ये लिनोवो का ओरिजिनल पावर अडाप्टर है। ये मैंने इसको पावर दी है,